अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि कितना प्यार करता है ये तो उसने दिखा दिया, सबके सामने कबूल भी कर लिया, लेकिन लक्ष्मी पता नहीं क्यों मना किए जा रही है। मैं जानती हूँ वो ऋषि से बहुत प्यार करती है, उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है, फिर भी पता नहीं ऐसी क्या बात है जो लक्ष्मी इस प्यार को रोक रही है और खुद को ये मानने से रोक रही है कि वो ऋषि से प्यार करती है। लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। वीर से बात करती हूँ। अब वो आ गए, ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा देना और आयुष को भी इन्फॉर्म कर देना। ओके, थैंक यू। हाँ माँ, लक्ष्मी से मिलकर आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मैंने भी ऋषि से बात कर ली और आपने बिल्कुल सही कहा था, लक्ष्मी ने अभी तक हाँ नहीं कही। ऋषि को विश्वास है, उसे उम्मीद है कि वो हाँ कहेगी, उसके बाद वो शादी करेगा। पर मैंने लक्ष्मी को बहुत समझाया वीर। तो मान गई ना वो? नहीं मानी, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ऋषि के प्यार को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अब चिंता ना करें माँ, मैंने ऋषि से कह दिया कि वो लक्ष्मी को मना ले और शादी कर ले, वरना नीलम हमेशा की तरह बीच में आती रहेगी। सही बोल रहे हैं तुम। तो मुझे भी यही लग रहा है कि नीलम की वजह से ही वो ऋषि के प्यार को स्वीकार नहीं कर रही। खैर, हम तो भाई कोशिश करते रहेंगे और कभी तो कामयाब होंगे। कभी क्यों माँ, बहुत जल्दी जीतेंगे, बस हम कोशिश करते रहेंगे। चल रखती हूँ फोन। ठीक है माँ। हमने एक बार बुलाया और तुम आ गए, पूछा भी नहीं क्यों बुलाया हमने। आपने बुलाया था तो मैं नहीं था। इतनी बात मानती हो हमारी, इतनी इज्जत करती हो। आप बड़ी हैं, माँ जैसी हैं मेरे लिए, इसलिए हमारी हर बात मानती हो, हमारी कोई बात नहीं डालती, हम जो कहते हैं चुपचाप कर देती हो। तो हमारी एक बात और मान लो, आखिरी बात, हमारे बेटे ऋषि की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। हमारी ये आखिरी बात मान लो लक्ष्मी, और साबित करो कि तुम सच में हमें मान देती हो। हम बड़े हैं तुमसे, माँ समान है तुम्हारी, तो ये बात मान लो हमारी, ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाओ और बदले में जो तुम कहोगी हम तुम्हें देंगे, मकान, प्रॉपर्टी, दौलत, जो ऋषि को छोड़कर जो कहोगी हम तुम्हें देंगे। बोलो, ऋषि की जिंदगी से दूर जाने के लिए क्या कीमत चाहिए तुम्हें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बुआ, आप सच बोल रहे हो ना, मॉम सच में लक्ष्मी के पास गई है ना? हाँ मलिष्का, मैं झूठ बोलूंगी क्या, भाभी वहाँ गई हैं, इसलिए तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। और देखना, अब भाभी जब वापस आएंगी ना तो तुम्हें यही गुड न्यूज देंगी कि लक्ष्मी को ऋषि से हमेशा के लिए दूर कर दिया। स्वयं अगर ऐसा हुआ ना तो आप जो भी बोलोगी ना मैं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। तुम बस इस घर की बहू बन के आ जाओ, प्रॉपरली ऋषि के साथ, और बस ऐसे ही हम सबके बीच प्यार बना कर रखना, तो बस समझ जाना कि अपने आप ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए बुआ, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने और नीलम मॉम ने ना ऐसे वादे कई बार किए। आपने कितनी बार बोला है कि आप मेरी और ऋषि की शादी कराओगे, ऋषि और लक्ष्मी को अलग कर दोगे, उन दोनों कभी पास नहीं आने दोगे, लक्ष्मी को हमारी जिंदगी से अलग कर दोगे, लेकिन क्या हुआ, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया ना। ना मेरी और ऋषि की शादी हुई, ना ऋषि और लक्ष्मी अलग हुए, ना लक्ष्मी मेरी जिंदगी से गई, ना हमारी जिंदगी से कुछ भी नहीं हुआ। वो ऋषि लक्ष्मी को लेकर ये घर छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है बचपन में ना ऋषि का एक्सीडेंट होने वाला था, हमने बचा लिया उसे, लेकिन जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसे सजा दिलवाई, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। आज तुम भी वही कर रही हो, हमारे बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो। मत करो, वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। ऋषि की शादी सिर्फ मलिष्का से होगी, तुमसे नहीं।
तुम कहती हो ना तुम्हें ऋषि की खुशी चाहिए, तो तुम ऋषि के लिए कुछ भी कर सकती हो तो चली जाओ ऋषि की जिंदगी से, बहुत दूर चली जाओ हमेशा के लिए। बोलो हमारा ये ऑफर मंजूर है? सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो, लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी, बस आप ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाइए, तो क्या आप बस बस औकात में रहो, दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पर लाएंगे तो जुबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। देखिए वो आप प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात ना मेरे मन में बहुत टाइम से थी और मुझे ये बात शेयर करनी थी, और अपनों से तो शेयर की जाती है ना प्लीज, इसलिए मैंने आपको बोल दिया, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं मलिष्का मैं क्यों बुरा मानूंगी, एंड आई अंडरस्टैंड तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है, और तुम्हें ये जो शिकायत है, इनफैक्ट ये शिकायत तो हमें खुद से है, क्योंकि देखो ना इतने टाइम से हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम आगे भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब की बार ना बात कुछ और ही है। तुम जानती हो ना कि एक जख्मी शेरनी और भी ज्यादा खतरनाक होती है, तो इस बार जो ऋषि छोड़कर गया ना भाभी को, भाभी बहुत हर्ट हुई, इनफैक्ट बहुत दुखी, तो अब की बार तो वो अपनी जी जान लगा देंगे ऋषि को वापस लाने में, लक्ष्मी को ऋषि से दूर करने में, इसलिए अब की बार तो मुझे पूरा यकीन है कि भाभी गुड न्यूज के साथ ही वापस आएंगी, तुम देख लेना, आई एम श्योर अबाउट इट। माँ की ममता की कीमत लगा रही हो तुम, माँ के सामने उसके बच्चे की कीमत लगा रही हो, अरे माँ की ममता को तो भगवान भी सबसे ऊपर रखते हैं, माँ को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जानती हो ना, और तुम कीमत लगा रही हो, कोई कीमत नहीं लगा सकता माँ की ममता की और ना ही चुका सकता है, जिस पर ममता न्योछावर की जाती है ना वो भी माँ की ममता की कीमत नहीं चुका सकता। प्यार भी तो ऐसा ही होता है ना, अगर प्यार सच्चा होता है तो कहते हैं कि वो भगवान का रूप है, तो फिर प्यार की कीमत कैसे लगाई जा सकती। कहना क्या चाहती हो हाँ, तुम कह रही हो कि तुम ऋषि से प्यार करती हो? ऋषि करता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा तुझे बुला रहे हैं कबीर के सौतन, तू हटेगा तभी तो हमारे लल्ला को केसर से बात करने का मौका मिल पाएगा। हाँ एक मिनट बेटा। कबीर शू मस्ट डांस करे वहां एक नंबर। पता है तेरे साथ ना प्रॉब्लम ही यही है कि ऊपर से तो तेरा सारा कनेक्शन फिट है बट अंदर का मामला थोड़ा गड़बड़ है, तेरा दिल जो चाहता है ना भाई वो तेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है। क्या तुझसे पूछा किसी ने सलाह मांगी? तो बकवास करना बंद कर, एक तो सूरज ने पहले हमारा दिमाग खराब किया हुआ है, अबे जानवर भी चलते ना रिदम में चलते हैं। अच्छा तो तू कह रहे कि सूरज के डांस डांस अबे वो जो करता है उसे डांस नहीं उछल कूद कहते हैं। जितना अकड़ के वो बात करता है ना वैसे ही अकड़ के वो डांस करता है बिल्कुल। कबीर सूरज सारो छोकरो छे हां एक पता है पर वो है कहाँ? वो घर चला गया होगा ना, अब यहाँ का वॉशरूम यूज नहीं करेगा ना, मतलब डाउन मार्केट टाइप लगेगा उसे। हम देख के आते कि कहाँ है सूरज। चलो चलो सूरज बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, इसलिए अंबिका बहन तुम्हारी इतनी तारीफ करती है, आज तो हमने देख भी लिया। सच्ची तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मदद करने को तैयार, बस ऐसे ही बने रहना हाँ बदलना नहीं। ये सब क्या बोल रही है ये, और ये काम मुझसे क्यों करवा रही है? ये हो गया एक मिनट बेटा, रुकना जाना नहीं। बेटा ये मिक्सर भी खराब है, जरा इसको भी ठीक कर दो। ये भी ठीक कर रहे हैं? हाँ। वो अब क्या है कि कबीर को तो गिटार के टाइटू से ही फुर्सत नहीं मिलता है, एक तुम ही हो जो ये ठीक कर सकते हो। अब क्या बताएं, जब से ये खराब हो गया है ना बड़ी मुश्किल हो गई है, तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल होगा ना ये। हाँ ठीक कर दो। चलिए
अभी से कहाँ चल दिया? कबीर को चाहिए समय और उस समय उसे मिलेगा तब जब तू यहाँ रहेगा बीजी। अरे सूरज, वो बच्चा थोड़ी ना है छोटा जो खो जाएगा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? समय हाथ से निकलता जा रहा है कबीर, मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं अपने पूरे परिवार को साथ ला पाऊं, कुछ ऐसा जिससे सबको अपनी जीत का एहसास हो। पर तुम उनको जीत का एहसास क्यों दिलाना चाहती हो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें बस एक मौका चाहिए सूरज को ये एहसास दिलाने का कि केसर सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है बल्कि उसके लिए भी है। पन केवी रीते हेतल अंबिका भाभी साथे केसर नो रिश्तो अटूट छे। अब अगर सूरज के साथ उसकी शादी हो गई तो फिर ये सास और बहू का रिश्ता एक माँ और बेटे के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। कभी कोई ऐसी नौबत आ गई जहाँ अंबिका भाभी को अपनी बहू और बेटे में से किसी एक को चुनना हो तो वो अपनी बहू को ही चुनेंगी। सूरज और केसर में से किसी एक का साथ देना हो तो वो केसर का ही साथ देंगी। जीनल भाभी, जैती बहन, बस बस ये बात जिस दिन सूरज के दिमाग में बैठ गई उस दिन वो केसर के साथ अपनी सगाई तोड़ देगा और हमें उस केसर से मुक्ति मिल जाएगी। ते मारी बेइज्जती करी अति ने सूरज, अब तेरी वजह से एक बार फिर ये परिवार टूटेगा और साथ में टूटेगा तेरी माँ का संकल्प। मैं जीतूंगी और अंबिका भाभी हार जाएंगी। बस हवे मारे ये विचारवानु छे कि ये सब मैं करूंगी कैसे। केसर, अब तुमने ठान ही लिया है तो हमें पूरा विश्वास है कि अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जीत मिलकर ही रहेगी। सच कबीर, मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब दर्शन ये सबको साबित कर देगा कि वो किसी से कम नहीं है बल्कि स्पेशल है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इतनी नाइफ कैसे हो सकती हो केसर? तुम्हें सच में लगता है तुम दर्शन को ठीक कर सकती हो? मैं दर्शन को ठीक करने की बात नहीं कर रही हूँ सूरज, बस उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। स्टॉप इट केसर, आई अंडरस्टैंड कि तुम दर्शन का भला चाहती हो पर ये बहुत रिस्की है। दर्शन मेरा भी भाई है पर ऐसे मेथड से पेशेंट्स पे काम नहीं करते केसर। एम्बिशियस होना अच्छी बात है सूरज भाई, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। हाँ, पर हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना सूरज। तुम्हें क्या लगता है हमने अभी तक दर्शन को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं किए? हमारी फैमिली दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुकी है केसर, और सबका यही कहना है कि उसका केस बहुत टफ है और उसका ठीक हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं समझती हूँ वो सूरज, पर अगर हम ऐसे इंसानों को केस कहेंगे और इनके कंडीशन को डिसेबिलिटी समझेंगे तो फिर तो हमें सक्सेस मिलेगी ही नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं इसे ठीक करने की बात नहीं कर रही हूँ, बस सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, 100%। तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? सूरज, हम भी दर्शन का भला चाहते हैं। एक बात तुम्हें बताएं, ये लड़की है ना केसर, एकदम पागल है। जो सोच लेती है, जो ठान लेती है ना, वो करके रहती है। और हमें तो इस पर पूरा भरोसा है। हम तो तुम्हें सलाह देते हैं, तुम भी इस पर भरोसा करके देखो, सरप्राइज हो जाओगे। बात भरोसे की नहीं है केसर, जो बात दर्शन के लिए रिस्की है उसके लिए मैं तैयार कैसे हो जाऊं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। इस हिंदुस्तानी लड़के ने पाक की सरजमी पर एक मासूम लड़की को बेआबरू करने की हिमाकत की है, और इस गुनाह में पूरा साथ दिया है इसकी बीवी ने, और इसीलिए हम इन दोनों को सजाए मौत का फरमान सुनाते हैं।
हमारा मुल्क जिंदाबाद, 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 हमारा मुल्क जिंदाबाद। चाहे हम मौत के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़े हों, हमें पापा पर भरोसा रखना है। कोई अन्याय नहीं होने देंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें हिम्मत नहीं हारनी। गणपति पापा मोरिया, 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 गणपति पापा मोरिया। ए खींच के लेके जाओ उनको यहाँ से। गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया। मैं तुम्हें गलती सुधारने का एक मौका देना चाहता हूं। तुम्हारे मुल्क के लोग ये ना कहें कि हमने तुम्हें एक मौका भी नहीं दिया। अपने सारे जुर्म, अपने सारे गुनाह कबूल करो और सबके सामने माफी मांगो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मेरे हाथ खोलो, फिर मैं जवाब दूंगी। देखिए, ये लड़की अपनी सारी गलतियां मानकर अपने जुर्म और अपने गुनाह कबूल कर रही है और आप सबके सामने माफी मांग रही है। तेरी तो मिल गया मेरा जवाब। लटका मेरे Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मरने से पहले इंसान सिर्फ सच कहता और आज मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा उसे अपने दिल की बात कहना चाहता। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोलना चाहता हूं। सुमित, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सांस लेना चाहता हूं। हर जन्म में सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, चाहे आज जिंदा रहूं या मर जाऊं। इससे पहले मैंने ये सब पहले कभी नहीं कहा, पर आज कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू सुमित। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ श्लोक। सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा है। लव यू। वाह, मौत के दरवाजे पर खड़े हो फिर भी इश्क फरमा रहे। वैसे बड़ा ही कमाल का खेल है ना ये मोहब्बत और इश्क। चलो अब इस खेल को यहीं खत्म करते हैं।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। भूल गए सब कुछ आप मोहन जी। माँ जी का दर्द। गुनगुन के आंसू, चाचू का कितना खून बह रहा है। भूल गया गए कि अगर इन दोनों का बस चलता तो हमारे पूरे त्रिवेदी परिवार को खत्म कर देती। हम सबकी जान लेने की कोशिश की इन्होंने। बड़ी मालकिन जी, हम आप सबको ऐसे नहीं छोड़कर जाना चाहते। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। और देखो, हमारे पास तो पूरा परिवार है, और तुम्हारी माँ के पास सिर्फ तुम हो बेटा। बेटा, से रोते नहीं बेटा, बाकी बिहारी जी सब ठीक कर देंगे। देखो, वो ठीक हो जाए ना तो जल्दी से वापस आ जाना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस चुप हो जाओ, बस जाओगे अपनी मालकिन से। जैसे बेईमानों की वफादारी करके क्या मिलेगा आपको? अरे ये तो चोर डकैत की मालकिन है, मुखिया है उनकी। ये अपने अपने फायदे के लिए ना मोहन जी, ये एक दूसरे को नोच खाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। ये दामिनी जिज्जी, जिन्हें आप त्रिवेदी प्रकाशन की मालकिन समझ रहे हैं, मात्र 4 दिन पहले ही एक मामूली कर्मचारी थी। मोहन जी, पिछले 7 सालों से किसी निजी समस्या के कारण दफ्तर नहीं जा सके। उन्होंने बंद कर दिया था, तो उसी का फायदा उठाकर इन्होंने मोहन जी और परिवार को धोखा देकर सब कुछ हड़प लिया। देखो मोहन, सालों से मैं तुम्हारा बिजनेस संभाल रही हूं,
ऐसे कितने सारे पेपर्स हैं जिस पर तुमने और माँ ने साइन भी किया, तुमको याद भी नहीं होगा। वो मोहन जी जिन्होंने अपने दम पर त्रिवेदी प्रकाशन को खड़ा किया, आज अपने खुद के घर पर ही नौकर है। नौकर बनाकर रख दिया हमारे मोहन जी को इन्होंने। और आज मोहन जी की कंपनी, उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ के दम पर आप सबके साथ व्यापार करना चाहती है। बस एक ही चीज नहीं पता है ना, पैसे तो छीने जा सकते हैं, जायदाद भी छीनी जा सकती है, पर हुनर, हुनर का क्या, वो कोई कैसे छीन पाएगा। अगर आप सबको त्रिवेदी प्रकाशन के साथ काम करना है तो हम आपसे विनती करते हैं, ये काम और ये मौका कृपया मोहन जी को ही दीजिए। सही कह रही है राधा, दामिनी जी जैसे चोर को नहीं। दामिनी जी जी मोहन जी को धोखा दे सकती, जिन्होंने दामिनी जी जी को सब कुछ दिया, रहने के लिए छत, रोटी, सम्मान, परिवार का प्यार, तो वो किसी को भी धोखा दे सकती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें जेल भेज के रहूंगी, अब तुम यहाँ नहीं सीधे बड़े ससुराल जाओगे। अंदर जाना चाहते हो? पता है ना शक्ति ने हम दोनों को साथ में देखा है। ये सिंह
ये शक्ति शिव के साथ उधर स्टोर रूम की तरफ क्या कर रही थी? ये लड़की ना इतनी बार नाक कटा चुकी है, अब खबर नो तो कह दो, अब नाक जैसा कुछ बचा ही नहीं है। शिव 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 भैया शिव मैं देखता हूँ क्या हो गया, ये क्या हो गया, शक्ति क्या हुआ इन्हें? शिव भैया उठिए भैया। लगता है हमारा काम हो गया। क्या किया तुमने? हाँ इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, मैं बता रही हूं तुम्हें, तुम्हें तो मैं जेल भेज के रहूंगी। अब तुम यहां नहीं सीधे बड़े ससुराल जाओगे। अंदर जाना चाहते हो? पता है ना शक्ति ने हम दोनों को साथ में देखा है। अंदर जाना चाहते हो या शक के दायरे में जाना चाहते हो? जिस चोर की दाढ़ी में चिंता हो उसे मौका वारदात से दूर रहना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंकल जी प्लीज उठिए प्लीज। नहीं होने देंगे डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मेरी तो सांस नहीं आ रही है, क्या करें हम? शर्म कोई सबको सच ना बता दे, हिम्मत तो है, जिगरा भी है और शक्ति भी है, कहीं हमारा की उल्टा ना पड़ जाए। डॉक्टर जी उठिए, डॉक्टर जी प्लीज उठिए प्लीज। पंडिताइन करने दो उसे, वो जो कर रही है उसे करने दो, वो ठीक कर रही है, इसे CPR कहते हैं, पेशेंट्स को यही दिया जाता है। अब मुझे उठिए।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।